गुड मॉर्निंग टुडे वी आर गोइंग टू डू द फोर्थ चैप्टर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट ऑफ योर सोशल द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो लाइज इन इक्वेटोरियल रीजन व्हाट इज इक्वेटोरियल रीजन ये क्या होता है द रीजन विच लाई ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर एंड हैव हॉट एंड वेट टाइप ऑफ क्लाइमेट थ्रू आउट द इ ठीक है उस रीजन को हम क्या कहेंगे इक्वेटोरियल रीजन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ द कांगो इक्वेटोरियल रीजन में होता है अब इट इज अर्लियर, इट वॉज अर्लियर नोन ज़ायरे, एंड इट बिकेम इंडिपेंडेंट इन इट्स कैपिटल इज़ शाजा तो ये तीन पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे जाना एंड ऑल्सो इट इज दर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका ठीक है नाउ इसका लोकेशन क्या है इक्वेटर रंस थ्रू दिस कंट्री Yine, latitude equator runs through this country and it is surrounded by nine other countries let's see central african republic and sudan in the north uganda rwanda tanzania and burundi in the east republic of the congo in the west zambia and angola in the south so it is the nine countries or is important feature hai? it's river congo river also known as zaire river it is the second longest river in africa and it is also called as the highway of Central Africa. Four major lakes are all, are found here. That is Albert, Kivu, Edward and Tanganyika. Tanganyika. Now climate. तो so, as we have read that इसका इलोकेशन कहाँ है? Equator के आसपास है. तो climate कैसा रहेगा? बहुत hot and humid climate रहेगा. तो हम लोग hot, wet and humid. ठीक है. तो humidity जो होता है air का वो uncomfortable होता है. और इवनिंग एंड नाइट आर कूल एंड कंफर्टेबल और ये किससे रिजेंबल करता है हमारे कंट्री में तो ये केरला कंट्री हैज दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट नाव वेजिटेशन तो हम लोगों को पता है कि द लैंड इज कवर्ड विद एक्सटेंसिव इक्वेटोरियल फॉरेस्ट मतलब हैव लार्ज वेराइटी ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स इन ए स्मॉल एरिया द फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर सो दे आर कॉल्ड एवर ग्रीन फॉरेस्ट ट्रीज लाइक रबर कोकोनट bamboo and oil palms grow here it has large reserve of hardwood trees like magoni, ebony etc and these trees what they do they provide raw materials for many industries it all this forest also provide a habitat to large number of animals birds reptiles insects etc a special mammal called okapi with head resembling a giraffe and a body resembling a zebra is found here मतलब वो कापी एक स्पेशल मेमल है जो कि यहाँ पाया जाता है एंड ड्यू टू दीज थिंग्स ओनली प्रेजेंस ऑफ सच वेराइटी ऑफ एनिमल्स बर्ड्स इंसेक्स रेप्टाइल्स एवरी वन इट इज नोन एज द नेचुरल जू ऑफ द वर्ल्ड यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अ कापी हीरो रिजेंबलिंग जिराफ एंड जेबराइज नाउ लाइफ ऑफ द पीपल इट इज थि पॉप्यूलेटेड मीन्स बहुत कम पॉपुलेशन है एंड नंबर ऑफ ट्राइब्स लीव यो बंटू इज द लार्जेस्ट ट्राइब और ये कैसे होते हैं टॉल एंड हैव कर्लीगनी इज द प्रमेटिव ट्राइब जो कि डेंस फॉरेस्ट में रहते हैं डेंस फॉरेस्ट और इनका कैसा होता है तो शॉर्ट स्टीचर्स होते हैं एंड लीव इन दाउस मेट फ्राम ट्विग्स लीव्स एंड ट्रीज एंड लीव बाई हांटिंग ट्रैपिंग एनिमल्स गैदरिंग हनी एंड फुड तो यहाँ नाउ एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन क्या है फार्मिंग एंड माइनिंग और मेन क्रॉप ग्रोन ही रहा है कसावा मेज बनाना राइस कसावा इज द स्टेपल फूड क्रॉप ये लॉन्ग एंड फ्लैशी रूट्स होते हैं और ट्यूबर्स कह सकते हो अंडर द ग्राउंड इट्स ट्यूबर्स आर यूज टू मेक फ्लोर कैश क्रॉप भी यहां होते हैं जैसे कोकोआ कॉफी टबैको एंड कॉटन नाउ इंडस्ट्रीज दिस इज रिच इन मिनरल्स लाइक गोल्ड डायमंड कोबाल यूरेनियम, कोल एंड मैंगनीज इतने सारे मिनरल्स यहाँ पाए जाते हैं और ड्यू टू लैक ऑफ इंडस्ट्रीज ये एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं यानी दूसरे देश को भेज दिए जाते बेच दिए जाते सम इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो हियर एंड दिज आर लोकेटेड इन किन्सासा एंड लुम् लुबुम्बासी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स यूँ क्योंकि यूज फॉर प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज ऑफ वाइक कोल्ड एंड पेट्रोलियम ठीक है और यहाँ का चीप सी पोर्ट कौन सा है तो माता दी है एंड किन्सासा इज दर रिवर पोर्ट रोड्स एंड रेलवेज आर नॉट सो वेल डेवलप्ड और वेल मेंटेन्ड तो पीपल प्रेफर टू ट्रेवल बाई एयर अब यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है कैसे द मनी अर्न बाई एक्सपोर्ट ऑफ मिनरल्स इज यूज फॉर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री सो हियर द चैप्टर कम्पलीट्स गुड लक Revise it.